सो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन की सहायता से ऑयल पेंट एंड फेस स्मूथ एडिटिंग करने वाले हैं कुछ इस टाइप का। इस वाले वीडियो में हम लोग बस स्नैपसीड एप्लीकेशन का यूज़ किए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा। तो कैसे मैं बताऊँ कि कैसे आप लोग अपने फेस को स्मूथ और गोरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल न्यू ट्रिक है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, इस फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में यहाँ से ओपन कर लेना है। ये ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को सबसे पहले टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और टूल्स से क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे लेंस ब्लर वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद इसका साइज आप लोग छोटा कर लीजिएगा और इसको किनारे कर दीजिएगा। और इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसका ब्लर स्ट्रेंथ 30 पर रख लीजिएगा और इसको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग को ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने के बाद बी एडिट पे, और बी एडिट पे क्लिक करने के बाद लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे, ब्रश पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको आप लोग 100 पे रख लीजिएगा। 100 पर रखना क्या करना आप लोग को, कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पर इसको अप्लाई करिएगा। हेयर पर इसको नहीं करना आप लोग को, बस आप लोग फेस पर इसको अप्लाई करिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपने फेस को स्मूथ करिएगा। और आप लोग को वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक और नई ट्रिक है कि कैसे मैं बताएँ आप लोग को कि काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग अपने फेस को गोरा कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद क्या करना है, और बढ़िया तरीके से स्मूथ करने के लिए ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद बी एडिट पर क्लिक कर देना है। बी एडिट पर क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है आप लोग को, वहाँ से आप लोग को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने फिर से आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक कर देना ऊपर, और 3 डॉट पे क्लिक करने बाद इसको इंसर्ट कर देना है। यहाँ से इंसर्ट करने बाद आप लोग आफ्टर बिफोर करके देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ हो चुका है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए हम लोग इसको अब गोरा करना है, तो गोरा करने के लिए टूल्स पर क्लिक कर देना है, और हम लोग ए वाले ब्रश का यूज़ करेंगे। तीस वाले ब्रश पर क्लिक कर देना है, और जो सेकंड नंबर का ब्रश है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोजर, इसको आप लोग 0.7 पे रखिएगा। नीचे देख लीजिए 0.7 पे, और कुछ इस तरीके से जूम करने बाद देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग का फेस गोरा हो रहा है। तो आप लोग भी ये वाला ब्रश ट्राई करिएगा, तो आप लोग का भी फेस काफ़ी बढ़िया तरीके से गोरा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग का फेस गोरा हो रहा है, ये ट्रिक आप लोग को पसंद आएगा। तो गाइस हम लोग अपने फेस को गोरा कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग इस फोटो को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक है, तो इसको सही करने के लिए टूल्स पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद सिलेक्टिव को ले लेना है, और सिलेक्टिव को यहाँ पे रख लेना है। कुछ इस तरीके से साइज फिक्स करके इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, और इसका सेचुरेशन थोड़ा सा, और इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको सेव कर लेंगे इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपने फेस पर रख कर इसको अप्लाई करिएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग का फेस गोरा हो चुका है और फेस स्मूथ भी। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने बाद ब्रश पर क्लिक कर देना है, और जो सबसे चौथे नंबर ब्रश लेकर आप लोग इसको लिप पर अप्लाई करिएगा कुछ इस तरीके से, तो लिप आप लोग का रेड कलर का हो जाएगा। तो देख सकते हैं आफ्टर बिफोर करके। उसके बाद हम लोग फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और टूल्स पर क्लिक करने के बाद डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोग को नीचे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड PNG को ऐड करना है। तो
उसको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने बाद आप लोग को ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने बाद व्यू एडिट पे, व्यू एडिट पे क्लिक करने बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ब्रश पे क्लिक करने बाद क्या करना है, आप लोग इसको 100 पे रख लीजिएगा, और 100 पे रखने में कुछ इस तरीके से आप इसको रिमूव करिएगा, तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है।